बड़ा बेड और ना वहाँ कपड़ा भी रहता है और वो बहुत बड़ा और डार्क और थोड़ा स्केरी टाइप लग रहा था। वो जब खुद को देखते हैं तो वो होते तो अपने क्लोथ्स में है लेकिन ना उनके क्लोथ थोड़ी थोड़ी सी जगह से ना फट रहे थे क्योंकि वो लड़ाई जब उन्होंने की थी तो उनके क्लोथ ऐसे फट गए थे और इस टाइम पर वो बंधे हुए थे बेड के साथ। पाँव नहीं बंधे हुए थे उनके, सिर्फ हाथ बंधे हुए थे, मतलब हाथ आगे से दोनों हाथ आपस में बंधे हुए थे और जो उनकी वेस्ट थी वो हाफ बेड पे बैठे हुए थे, हाफ लेटी जैसे इस तरह नहीं होता इस तरह थे तो, और उनकी ना वेस्ट वाली साइड से वो बेड से बंधे रहते तो वो थोड़े घबरा रहे थे और बोल रहे एक दूसरे की तरफ देखते कहते ये सब क्या हो रहा है। तो फिर ना वो धाम जुन बोते कहते ये सब क्या हो रहा है, नहीं हमें नहीं पता जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, हमें कैसे पता होगा। योगी बोलते कहते तुम इस टाइम लड़ने का सोच रहा है, चीन बोलते। तो फिर ना जो देखे होते कहते हैं कि ना ये लड़नी थे सिर्फ पागल वाली बकवास करें। तो फिर कहते हैं ना तुम सोनो चुको, जब बोलते कहते हैं रोने लगे मेरे संगे हो रहा है, मैंने तो अभी शादी नहीं हुई, मैंने तो अभी जी मीन से अपना लव कन्फेस करना था। वैसा बोलते हैं सारे शो हो जाते उसकी तरफ देख रहे होते कहते हैं लव कन्फेस करना था कहते मैं। तो फिर ना जो जी ना था ये थी पागल हो गया, इसको डॉक्टर को दिखाना होगा। तो फिर कहते हैं हाँ नाम जो कहते हैं ना यहाँ से निकलेंगे तो डॉक्टर को दिखाएंगे तुम पागल हो, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पागल कहेंगे। और फिर इस तरह करके ना सारे आपस में लड़ने लग गए थे। तो फिर ना उसके बाद एक गार्ड अंडर एंटर होता और कहते साइलेंस, उस तरह जोर से चलाता और ना सारे डर जाते। और फिर ना उस गार्ड की तरफ देखते कहते हैं मास्टर आने वाले, अगर तुम लोगों ने इस तरह दोबारा लड़ना शुरू किया ये गन देख लो ऐसे की सारे ब्रश तुम्हारे अंदर डालूंगा और फिर और इतने सुराख हो जाएंगे ना तुम्हारे अंदर कोई गिन भी नहीं सकेगा। कुछ तरह गुस्से से उनको डराते और फिर ना वो सारे चुप हो जाते कहते ठीक है ठीक है चुप चुप ऐसे करके ना वो फेस पे अपने ना ऐसे लॉक कर लेते कहते अगर तुम मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैंने जो बताया वो करना उन्होंने तुम्हारे फेस पे ना टेप लगा के तुम्हें मारूंगा ताकि तुम खुद स्कूल से चीखे भी ना मार सको, ये वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना ना जो थे वो तो कहते हैं स्कूल से रोने भी नहीं देते करके फिर रोने लग जाते हैं। तो फिर कहते हैं तुम्हें मरना है, तो फिर कहते हैं नहीं तो फिर रोना बंद करो जे के बोलता है। तो फिर ना जो थे वो तो चुप कर जाते हैं और उस टाइम पर ना कोई एंटर होता है जिसको देख के ना सारे शौक हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं हमारा होता है जिमिन। तो उसको देख के सारे शौक हो जाते कहते हैं जिमिन। तो फिर ना जो एक गार्ड होता है वो कहते हैं रिस्पेक्ट से मास्टर को तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे नाम से बुलाने की। तो फिर ना जब उन्होंने कोई इशारा करते तुम बाहर जाओ तो फिर इस तरह बोलते और फिर ना वो सारे बाहर गार्ड्स चले जाते और ये देखे सारे शौक होते हैं कि ना वो जो इतने स्केरी मैन होते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेल्ड बिल्ड बॉडी वाले होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मसल्स होते हैं। तो वो जीवन की बात माने होते हैं उनके बीच में जीवन एक बेबी की तरह लग रहा होता है। तो फिर ना जीवन उनके ना पास आता है और फिर ना उनके पास आके बैठ जाता है मतलब बड़ा बैठा होता है तो उनके बीच में आके बैठे थे मतलब थ्री इधर जो होते हैं और थ्री लेफ्ट में होते हैं थ्री राइट में होते हैं उनके सेंटर में आके बैठे थे थोड़ा पीछे होके जैसे वो सबको देख सकते थे। और फिर अपने लेग्स ओपन करके ऐसे बैठ जाते हैं थोड़े स्टाइल से करके और उसने फुल ब्लैक आउटफिट पहना होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था लेकिन जो उसका ओवर होता है वो बहुत डार्क होता है और जो ना टेन नोटिस करता है वो देखिए चीख हमारे लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है ऐसे एक टेबल से स्माइल। तो फिर ना वो सारे शौक होते और फिर जेन की तरफ देखते कहते हैं तुम चीख क्यों मार कहते जिमिन के पास गन है उस तरह बोलते और सारे ना उसकी वेस्ट की तरफ देखते तो हाँ सच में गन होते कहते ओ ये। तो फिर ये क्या कहना जिमिन जो होता है वो ना गन निकालता और अपने जो फिंगर में तो घुमाने लग जाते सारे देख के ना गल करते कहते जिमिन प्लीज ये गन रख दो हमें डर लग रहा है वो बोलते ठीक है। तो फिर कहना डर लग रहा है उस तरह बोलते हैं ऐसे इनोसेंट सा फेस बना के। तो फिर कहते जे के बोलता तो फिर ना जिमिन कहता ओके ठीक है कर लेता और उसके ना सारे ब्लड्स निकाल के पीछे फेंक देता है। तो फिर कहता है अब ठीक है बट हमें फिर भी डर लग रहा है जो बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन आता है वो एक अनोइड फेस बनाता है फिर ना घर को पीछे फेंक देता है कहते बस। तो फिर ना जो इस दफा जिन होते कहते उसको भी कहते किसको कहते इसको। तो फिर ना वो अपने ना अपने फॉर्म की तरफ देखता है वहाँ ना एक वो होता है नाइफ होता है कहते इसको नहीं अगर मैंने इसको फेंक दिया तो मैं रिलीज कैसे करूँगा। तो ही क्या कि ना वो नाइफ निकालता है अपनी फीट में उसने सॉक्स पहनी थी तो उसमें होता है तो ऐसे निकाल के ना
आता है यूनी की तरफ और उसकी लैब पे आके बैठ जाता है, तो फिर ना यूनी जैसे डर रहा होता थोड़ा और वो ना अपना गल कर रहा होता स्लाइफा, तो फिर ना चिरन कहता है डरने की जरूरत नहीं है डैडी, वो इस तरह बोलते तो सारे शौक हो जाते हैं उन की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर ना जिमी ने इनोसेंट से स्माइल करता है और ना उसकी जो वेस्ट पे जो उससे रस्सी बांधी होती है वो खोल देता है, और फिर ना जो जो यूंग है तो वो हाफ रिलीज होता है। तो इस तरह के देख के ना जिमी स्माइल करता है एक, और वो बहुत अजीब स्माइल होती है जिसे देख के ना सारा वो डर भी लग रहा होता है क्योंकि जिमी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। तो फिर वो अब जाता है नामजून, नामजून के पास जाता है और वो फिर ना कहता है अपने हाथ आगे करो डैडी, उस तरह बोलता है बहुत प्यारी सी स्माइल करता है, लेकिन सारे उसकी वो स्माइल देख के डर रहे होते हैं। तो जो नामजून होता है वो नामजून होता है वो डरते डरते अपने हाथ आगे करते हैं, तो फिर ना जो जमीन होता है वो हाथ खोल देता है और फिर इस तरह वो किसी की बेस्ट की रस्सी खोलते तो किसी के हाथ की, तो इस तरह खोल के ना वापस बैठ जाता है। कहते अब तुम लोग कुछ बोलोगे या फिर मैं बोलूँ, फिर ना जिमिन कहते नहीं अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोग तो डर रहे हो मुझसे। वेल कितनी अजीब बात है डैडीज अपने बेबी बॉय से डर रहे हैं। वेल जब तुम लोग कॉलेज में थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब क्या हुआ इस तरह बोलते हैं। और फिर ने फिर से स्माइल करना और सारे डर हो गए, वी आर सॉरी कहते सॉरी क्या बोल रहे हैं। पहला जो तुमने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो सारे ना कंफ्यूज होते और थोड़ा डर भी होते कि क्या मतलब कहते कि ना वेल मैं तुम्हें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊँ या अपने बारे में बताऊँ, तो फिर ना वो सारे देख रहे होते जिमी को कुछ कहते नहीं, तो फिर ना जिमी ने कहते मैंने कुछ पूछा लेकिन अभी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो जिमी को गुस्सा जाता और वो शॉर्ट करके कहता कि ना मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, उस तरह बोलता और वो ना बहुत ही डार्क वो लग रहा होता, बहुत ही डार्क उसमें बोलता और बहुत ही डर लग रहा था उसको देख के। तो फिर ना वो सारे डर जाते और फिर ना जो उसमें से ना जिन बोलते कहते हैं कि ना अपने पास्ट के बारे में बताओ कहते हैं, और फिर ना जिमिन फिर से ठीक हो जाते और फिर बैठ जाते और सारे देखिए ये शो को देखे था जिमिन की पर्सनैलिटी कैसे कितनी जल्दी से चेंज हुई। तो वो बैठ जाते कहते हैं एक यही सांस लेते और कहते हैं कि मैं बताना शुरू करता हूँ, वेल तुम लोगों को मेरी एज के बारे में पता है, तो कहते हैं थ्री डेज पहले थ्री टू कुछ डेज पहले ही तुम्हारी हुई थी एटी, वो इस तरह ही कला के बोल रहा था पहले थ्री तो ऐसा बोलता था, फिर पहले मेरी एज 23 है, वो इस तरह बोलता और फिर ना सबकी तरफ देखता और सब शौक होते हैं 23 कहते हैं। तो फिर ना जो यूंग होता है वो कैसे ये बोलता है, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बताना शुरू करता है कि ना मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 10 ईयर्स का था, और उन्होंने और जब उन जो जिमिन होता है कहते हैं ना जो मेरे पेरेंट्स थे जब मैं 10 ईयर्स का था उसकी डेथ हो गई थी, उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, लेकिन सब कहते हैं वो कार एक्सीडेंट था लेकिन एक्चुअली वो एक प्लैंड मर्डर था। वो कहते हैं कि ना वो प्लैंड मर्डर उनके एनिमीज की तरफ से था क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो माफियाज थे, ये सुन के ना सारे शौक हो जाते और फिर ना कुछ बोलने वाले थे। जो जिमिन कहते कि ना पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो उसके बाद तुम लोग कुछ बोलना, अगर बीच में कोई बोले तो फिर ना मुझसे ब्रो कोई नहीं होगा, इस तरह कुछ अचानक से बोलते हैं। तो कहते हैं ठीक है मुझे, तो फिर जिमिन देखिए इस्तेमाल करते कहते हैं वेरी गुड, तो फिर वो बताना फिर से शुरू करता है ना उसको ना मेरी पेरेंट्स की प्लेस चाहिए थी, मतलब फर्स्ट प्लेस पे थे वो कोरिया के फर्स्ट वो थे नंबर वन माफिया किंग थे वो। तो फिर वो इस तरह बोलते हैं उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आते हैं लेकिन उसको ना वो ना ऐसे ब्लिंक करते और फिर ना वो गायब हो जाते। तो इस उसको वो प्लेस चाहिए थी, तो उसने वो एक्सीडेंट करवाया था, तो उस टाइम पे मैं वहाँ था नहीं, मतलब मेरे मैं अपने अंकल के घर था और मेरे जो अंकल थे वो काफ़ी ना मतलब वो है थे तो रिच लेकिन वो एक पुअर इंसान की तरह रहते थे, उनको अपनी मतलब अपने ऊपर इतना फख्र नहीं था, मतलब उनको नहीं अपना पैसा शो करना अच्छा नहीं लगता था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते थे, अपना पैसा शो ऑफ करने की कोई उनको वो नहीं होता था कि वो अपना पैसा शो ऑफ करें बहुत पैसे लगाए, वो एक ना बहुत ही सिंपल से इंसान थे जो एक
सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, जिसकी वजह से